नमस्कार साथियों मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में देखिए आज हम फर्स्ट ग्रेड के लिए एक नॉवल करने जा रहे हैं नॉवल का नाम है द वेंडर ऑफ स्वीट देखिए ये जो नॉवल है बहुत ही फेमस इंडियन राइटर आर के नारायण ने लिखी है देखिए आर के नारायण जिनका जन्म टेन अक्टूबर नाइनटीन जीरो राशिपुरम में हुआ पिता का नाम कृष्ण स्वामी अयर इनका रियल नेम था नारायण स्वामी कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है आर के नारायण का रियल नेम था नारायण स्वामी ओके इन्होंने राइटिंग के लिए अपना नाम आर के नारायण क्यों लिखा आर फोर राशिपुरम के फोर कृष्ण स्वामी इस प्रकार से उन्होंने अपना नाम आर के नारायण रखा ठीक है तो उनकी शादी रजम से हुई लेकिन ये शादी लंबे समय तक सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि 1935 में इनकी मैरिज हुई और 1939 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई इस चीज़ को ये जो ट्रेजेडी उसके साथ हुई थी इसको बताया है द इंग्लिश टीचर इसका इनका ये वर्क है द इंग्लिश टीचर इनकी इस ट्रैजडी को इसमें बताया गया है इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं पद्म भूषण पद्म विभूषण पद्म भूषण साहित्य अकादमी फेलोशिप एंड ए सी पेंशन मेडल तो ये सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 1986 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य थे ओके और इनकी डेथ 13 मई 2001 चेन्नई में हो गई थी तो ये था आर के नारायण जी के बारे में कुछ जानकारी अब हम करते हैं इनके इस नॉवल को जिसका नाम है वेंडर ऑफ स्वीट्स वेंडर ऑफ स्वीट्स होता क्या है मिठाई वाला चलिए देखते हैं ना वेंडर ऑफ स्वीट्स। देखिए ये जो वर्क है 1967 में यूएस की एक प्रेस है विकिंग प्रेस यूएस की है और इन्होंने पब्लिश किया था 1967 में ओके देखिए इसमें जो थीम है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी एंड जनरेशन गैप दो चीज़ें हैं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी और जनरेशन के अंदर जो गैप है ठीक है पीढ़ी अंतराल है ये इसकी कुछ मेजर थीम्स हैं दोनों की दोनों अब देखिए इसमें चार इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं सबसे पहला है जगन उसका बेटा माली और इसकी वाइफ ग्रेसी की वाइफ ग्रेसी ठीक है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कजन ठीक है एक जगन का कज़न है जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कजन चार मेजर करैक्टर हैं इसमें ठीक है और भी माइनर करैक्टर आएंगे इसके अंदर वो हम डिस्कस करेंगे तो जगन मले ग्रेसी एंड कज़न चारों के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि जगन जो है वही ऑफ स्वीट है इनकी मिठाई की दुकान है और प्योर गांधीवादी है ये ओके सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सादा जीवन उच्च विचार बस इस मोटो पर वो काम करता है मल्ली इनका बेटा है ये थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल में जीना चाहता है थोड़ा मॉडर्न है और अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहता है ग्रेसी ये हाफ अमेरिकन हाफ़ कुरियन गर्ल है जो कि मल्ली से शादी करती है मल्ली से शादी करने के लिए आती है और कज़न कज़न एक तरह का मीडिया है जगन और मल्ली के बीच में जो काम करता है वो है कज़न मतलब डायरेक्ट बहुत कम बात होती है जगन और मल्ली की लेकिन कज़न एक मीडिया का काम करता है इनके बीच रीज़न इसका ये था कि जगन की जो वाइफ थी अंबिका ठीक है मल्लिक की माँ वो ब्रेन ट्यूमर से मर गई थी और उसका रीज़न ये था कि ये अपनी जो घरेलू नुस्खे यूज़ करता रहता था जगन जो है अपने घरेलू नुस्खे यूज़ करता रहता था कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी तो उस वजह से मल्लिका मानना है कि उसकी माँ की मौत हुई है इसलिए वो अपने पिता से बात करना पसंद नहीं करता था तो दोनों के बीच थोड़ा सा मतभेद है तो इसलिए कजन बीच में इनके मीडियम का काम करता है इनकी बातचीत करवाता है ठीक है मल्ली की बात जगन तक और जगन की बात मल्ली तक इसके माध्यम से पहुंचती है तो ये चारों थे मेन कैरेक्टर इसके सबसे पहले देखिए जगन जगन से हम स्टार्ट करते हैं नोवेल की शुरुआत होती है जगन की शॉप से जगन एक गांधीवादी व्यक्ति है गीता में विश्वास रखता है ठीक है गीता का श्लोक वगैरह वो पढ़ता रहता है और उन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है ठीक है अच्छी इनकम हो रही है और शाम को छः बजे तक जितनी बिक्री हो जाती है उसको एक रजिस्टर में दर्ज कर लेता है और उसके बाद जो बिक्री होती है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए रख लेता है इस प्रकार से इसका मिठाई का, का काम बहुत बढ़िया चल रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं थी बहुत बढ़िया चल रहा था जगन चाहता था कि मल्ले पढ़ लिख कर आगे बढ़े उसको कॉलेज भेजना चाहता था लेकिन मल्लिक का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में वो एक राइटर बनना चाहता था एक बार क्या हुआ लाइब्रेरी में ये पढ़ रहा था ठीक है लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उसको एक कूपन मिला उस कूपन में ये लिखा था कि एक नावल राइटिंग का कंपटीशन हो रहा है जो भी सबसे अच्छा उपन्यास लिखेगा सबसे अच्छी नॉवल लिखेगा उसको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का प्राइज़ मिलेगा मलिक चाहता था कि ये प्राइज़ मेरे को मिले, ठीक है इसलिए अपना ये प्लानिंग उसने कज़न को बताई और कज़न ने जगन को बताई कि वो एक नॉवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो जगन को भी ऐसा था कि मेरा बेटा लिखेगा पढ़ेगा कुछ अच्छा इंसान बनेगा बहुत बड़ा राइटर बन जाएगा टैगोर विलियम शेक्सपियर कालिदास इन जैसा कोई बन जाएगा तो ये भी उसको मोटिवेट करना चाहता था कि ठीक है अगर वो लिखना चाहता है तो मैं उसके इंटरेस्ट को पीछे नहीं होने दूंगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा लेकिन हुआ क्या इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था इसलिए सारी बात उस तक नहीं पहुंच पाती थी अगर इसने जेब खर्च भी देने हैं जेब खर्च भी देने हैं जगन ने तो ये टेबल पर पाँच रुपये का नोट रख जाता था और जिससे वो अनंद भवन रेस्टोरेंट में लंच कर लेता था मल्ली जो है अनंद भवन रेस्टोरेंट में लंच करता था जगन को ये पसंद नहीं था कि बाहर का खाना ये खुद मल्ली के लिए ब्रेकफास्ट बनाता था और ये चाहता था कि लंच भी घर से लेके जाए लेकिन मल्ली को ऐसा पसंद नहीं था जगन का मानना था कि आनंद भवन रेस्टोरेंट में वनस्पति घी का यूज़ करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है तो इन चीज़ों में बड़ा ये बिलीव करता था अब क्या है इस तरीके से दोनों में डिफ्रेंस चल रहा था जैसे तैसे लाइफ गुजर रही थी अचानक क्या है मल्ली के माइंड में ये बात आती है मल्ली क्या चाहता है अमेरिका जाना चाहता है वहां जाकर वो नॉवल राइटिंग सीखना चाहता है कि नावल को कैसे लिखना है उपन्यास कैसे लिखना है तो ये सीखने के लिए अपने पिताजी को बिना सूचना दिए उसने पासपोर्ट रेडी करवा लिया है ये बात मल्ली ने जगन को बताई मल्ली ने कज़न को बताई और कज़न ने जगन को बताई पासपोर्ट उसका रेडी हो गया है और टिकट वगैरह वो परचेज करने वाला है ठीक है सारी व्यवस्था उसने कर रखी है जगन ने सोचा इसके पास पैसे कहाँ से आए तो जगन ने क्या है रात को चुपके से गया अपने कमरे में ठीक है तो जाकर नोटों के बंडल गिने नोट नोट गिने उसके अंदर क्या दस हज़ार रुपये कम थे इतने में मल्ली आ गया अंदर ठीक है जैसे ही मल्ली आया उसने टॉर्च बंद कर दिया अपने ही घर में वो चोरों की तरह महसूस कर रहा था क्योंकि वो तो सिर्फ पैसे गिन रहा था तो उसको पता चल गया कि मल्ली ने दस हज़ार रुपये का बंडल चुरा कर ये सब कुछ किया है तो जगन कज़न को कहता है कि क्या मल्ली यहाँ रहकर क्या मल्ली यहाँ रह कर अच्छा राइटर नहीं बन सकता ठीक है क्योंकि कालिदास कभी विदेश नहीं गए सीखने के लिए सूरदास कभी विदेश नहीं गए बहुत अच्छे अच्छे राइटर हुए हैं ठीक है वो कभी विदेश नहीं गए यहाँ रहकर भी उन्होंने सीखा है तो ये क्यों नहीं सीख सकता लेकिन माली सोचता है कि मैं बहुत एडवांस सीख के आऊँगा अगर विदेश जाऊँगा तो तो दोनों में कन्फ्लिक्ट शुरू से ही आरंभ हो जाता है शुरू से दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो जैसे तैसे करके मल्ली जो है विदेश चला जाता है मल्ली अमेरिका चला जाता है वहाँ जाकर अपने पिताजी को रेगुलर लेटर लिखता है पहले तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था जगन को अब क्या है उसने एडजस्ट कर लिया है अब क्या है वो उसके जो तार वगैरह आते हैं तो उसका रिप्लाई भी करता है उसको रेगुलर पैसे भी भेजता है अगर ज़रूरत है तो।, तो इस तरीके से बढ़िया चल रहा था तो दो तीन साल बाद क्या है मल्ली वहाँ रहा और वहाँ रह कर वापिस आता है वापिस आता है ठीक है इंडिया वापिस आता है तो मल्लिक के साथ एक जना और होता है मल्लिक के साथ होती है ग्रेसी ठीक है जो कि हाफ़ अमेरिकन एंड हाफ़ कुरियन गर्ल है तो आते ही ये जगन को बताता है कि मैंने वहाँ शादी कर ली ठीक है किसी फुटबॉल मैच के दौरान हम बैठे थे ग्राउंड में वहाँ मिले थे तो हमने शादी कर लिया शादी करके उसको मैं ले आया हूँ अब पहले तो इसको थोड़ी सी ठेस पहुंची कि मेरे से बिना पूछे ठीक है बिना किसी रीति रिवाज के किसी विदेशी लड़की से शादी कराया चलो जो हो गया सो हो गया करके आ गया अब तो उसने एक्सेप्ट कर लिया अब क्या है जगन और ग्रेसी और मल्ली एक ही घर में रहने लग गए ग्रेसी को घर के काम करना बहुत पसंद था इंडियन स्टाइल से वो रहना चाहती थी भारतीय संस्कृति बहुत पसंद थी तो उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया घर के काम करना उसको बहुत अच्छा लगता था और धीरे धीरे जगन भी ग्रेसी को पसंद करने लग गया काफ़ी अच्छी अटैचमेंट होगी इनके अंदर अब क्या है अब मल्ली की जो बात जगन तक कहनी होती है मल्ली ग्रेसी को बता देता है ग्रेसी जगन को बता देती है इस तरीके से क्या है अच्छा चल रहा था सब कुछ और बढ़िया उनकी लाइफ स्पेंड हो रही थी लेकिन अचानक अचानक जगन को क्या पता चला कि ग्रेसी के मलि से शादी नहीं हुई है ग्रेसी के मलि से शादी नहीं हुई है ठीक है तो वो थोड़ा मेंटली अपसेट हो गया इससे पहले और क्या हुआ इससे पहले ये हुआ कि मल्ली अब अपने पिताजी से चाहता है कि पचास हज़ार रुपये मुझे दे पचास हजार रुपये दे अमेरिका की किसी कंपनी के साथ कोलेबोरेशन करके ठीक है अमेरिका की किसी कंपनी के साथ कोलेबोरेशन करके वो एक प्रेस लगाना चाहता है मतलब नॉवल राइटिंग या स्टोरी राइटिंग की एक फैक्ट्री लगाना चाहता है मशीनरी लगाना चाहता है तो जगन कहता है मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं ठीक है जगन कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है एक बार पचास हज़ार बाकी फिर बाद में और भी चाहिए थी उसको तो जगन ने मना कर दिया कि मेरे पास तो मिठाई की दुकान है अगर उससे काम चलता है तो चला ले मेरे पास और पैसे नहीं हैं तो अब मल्लिक क्या है थोड़ा सा और अपने पिताजी के ख़िलाफ़ हो गया वो उसको पैसे चाहिए अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इनमें क्या है डिफरेंस बढ़ते गए मल्ली बार बार पैस्टर करता रहा तंग करता रहा अपने पिताजी को पैसे के लिए तो परेशान होकर इसने कह दिया कि मेरे पास तो दुकान है वो संभाल लो अगर तुम्हें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इनकम है तो तुम संभाल लो मल कहता है कि मैं अब ये काम करूँगा पढ़ लिख कर मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ एक मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मशीनें होंगी और स्टोरी राइटिंग की मशीनें होंगी तो मल ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहता था इससे क्या है थोड़ा मेंटली अपसेट हो गया ये अब क्या इसने सभी चीज़ों के दाम एक जैसे कर दिए हर मिठाई 25 पैसे में कोई भी पैकेट तो इतनी महंगी मिठाइयाँ बराबर कर दी क्योंकि इसने ये सोचा कि मेरे किसी काम के नहीं हैं ठीक है क्योंकि मेरे बाद इसने संभाली नहीं है दुकान मल्ली ने और मैं किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ तो इसने कहा कि गरीबों की मदद हो जाएगी सभी को क्या है एक ही भाव पच्चीस पैसे पर पैकेट बेचने लग गया चाहे अच्छी मिठाई हो बुरी मिठाई हो कोई भी है सस्ती से सस्ती महंगी से महंगी सेम रेट कर दिया और लोग टूट पड़े इसकी दुकान पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी शाम को छः बजे तक तो सारा स्टॉल वगैरह खाली हो जाते थे अब वहाँ जो कारीगर थे काम करने वाले मिठाई बनाने वाले थे वो भी परेशान हो गए कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती गई रेट सस्ता हो गया डिमांड बढ़ती गई तो उनको ज़्यादा बनानी पड़ती थी तो उनको ऐसा लगता था कि ये खुद बर्बाद हो जाएगा और हमें भी बर्बाद कर देगा हमें एक दिन काम से हटना पड़ेगा अब क्या ये चलता रहा चलता रहा तो इनके पास क्या है तीन बंदे आए ठीक है एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसकी कंटीन थी एक आनंद भवन रेस्टोरेंट का मालिक और एक बंदा और आया है जिसका नाम है चिन्ना दौराई तीन पर्सन आए हैं जगन के पास ठीक है कंटीन होल्डर जो कंटीन चलाता है इन कोर्ट और एक आता है इनके पास ऑनर ऑफ आनंद भवन रेस्टोरेंट आकर समझाता है कि देखो हमें कितने टैक्स देने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा खर्चे हैं घी वगैरह पर बहुत खर्चा आता है तो आप इतना सस्ता माल बेचकर कैसे काम चला लेते हो तो कम से कम तुम ये माल सस्ता करोगे तो हमें भी सस्ता करना पड़ेगा प्लीज़ ऐसा मत करो इससे रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि आप इस काम को बंद कर दीजिए तो चिन्ना दौराई एक पर्सन था इनके साथ वाइट ब्रेड सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति था चिन्ना दौराई ठीक है नाम याद रख लेना ये तीनों आए इससे रिक्वेस्ट करने लग गए जगन से कि ये जो मिठाई की दुकान तुमने चला रखी है एक जैसा रेट कर रखा है इसको क्या है वापस वैसा कर दो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है तो ये समझाकर चले गए उसको लेकिन चिन्ना दोराई वापस आया क्योंकि इसके चेहरे से उसको लगा कि कोई मानसिक तनाव में है तो चिन्ना दोराई ने इसको कहा कि मैं तुम्हें कहीं शांत स्थान पर लेके जाना चाहता हूँ मेरा मालिक पेरिया दोराई जो कि एक मूर्तिकार था ठीक है एक जंगल में मूर्तियाँ बनाया करता था हम वहाँ चलते हैं तुम्हें क्या मानसिक शांति मिलेगी तो जगन भी काफ़ी टाइम से किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं गया था कहीं घूमने के लिए नहीं गया था तो जगन ने सोचा चलो ठीक है इसकी बात मानकर ये चिन्ना दोराई के साथ चला गया चिन्ना दोराई के साथ जब जाता है वहाँ उसको क्या है चारों ओर जंगल ही जंगल है बीच में पत्थर की शिलाएँ पड़ी हुई हैं तो चिन्ना दोराई बताता है कि मेरा जो मास्टर था पेरिया दोराई वो मूर्तियाँ बनाया करता था पेरिया दोराई वो मूर्तियाँ मनाया करता था और मूर्तियाँ बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े लोग स्थापित करवाते थे मंदिरों में पार्क्स में ठीक है स्टैचूज ये स्थापित करवाया करते थे तो ये सारी शिव की मूर्ति ठीक है तो द्वारपाल की मूर्ति इस तरीके से बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी वहाँ पत्थर की बनी हुई थी तो कुछ मूर्तियाँ अधूरी थी क्योंकि उनके मालिक की डेथ हो गई थी वो कहता है कि अब मैं ही देख करता हूँ इनकी तो जगन को वो जगह बड़ी शांत लगी वहाँ उसका बहुत मन लगा कुछ समय तक वहाँ रहा तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ लेकिन बाद में फिर वापस आ गया इस स्टेज पर जब वापस आता है वापस आने के बाद उसको पता चलता है कि ग्रेसी की मल्लिक के साथ शादी ही नहीं हुई है ठीक है ग्रेसी की मल्लिक के साथ शादी नहीं हुई है वैसे बिना शादी के रह रहे हैं हालांकि मल्ली ने ग्रेसी को कहा था कि मैं तुम्हें इंडियन स्टाइल से वहाँ भारत ले जाकर इंडियन स्टाइल से मैरिज करवा लूँगा ग्रेसी को ये पसंद था ग्रेसी के पास कुछ पैसे थे लाख दो लाख रुपए जो भी तो वो इसने यूज़ कर लिए थे ठीक है पैसे सारे खर्च करवा दिए अब क्या है और जगन से भी इसकी पैसे की डिमांड बढ़ती जा रही है पहले कम मांगता है फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है इसकी डिमांड तो अब क्या है ग्रेसी ने सारी बात बता दी भी हाँ ऐसे ऐसे करके शादी करनी थी लेकिन की नहीं आपको झूठ बोला अब क्या है बहुत ही ज़्यादा तनाव में आ गया जगन क्योंकि प्योर गांधीवादी था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बिना शादी के एक ही घर में पति और पत्नी एक छत के नीचे रह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरा तो घर ही दूषित हो गया मेरा घर दूषित हो गया उसने अपना पोर्शन सेपरेट कर लिया बीच में दरवाजा बंद कर दिया पीछे के दरवाजे से कजन से डिस्कस किए कजन कहता चलो तुम्हें प्रॉब्लम है तो पीछे के दरवाजे से आ जाया करो तो मेन डोर बंद करके उसने पीछे के दरवाजे से आना जाना शुरू कर दिया कुछ टाइम तक के ये चलता रहा लेकिन जो मलिक की डिमांड थी पैसे के लिए बढ़ती गई बढ़ती गई अब वो ग्रेसी को कहने लगा कि तुम बात करो तो जगन ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है दुकान है वो रखनी है रख लो मेरे पास कोई पैसे नहीं है तो इस तरीके से ये चल रहा था तो जगन के माइंड में अपनी शादी की बात आ गई तो यहाँ वो डिस्कस करता है कि किस तरीके से कितने लोग देखने के लिए गए थे वहाँ कुछ समय तक तो मुझे पता ही नहीं था जब तक शादी नहीं हुई थी जगन को पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी कौन है हम तीन चार लड़कियाँ वहाँ घूम रही थी जब वो देखने के लिए गए बैलगाड़ी पर उसका जो साला था जगन का वो उसको लेके गया घर जाकर वहाँ उनकी आ भगत हुई ठीक है और लड़की की शक्ल नहीं दिखाई और जगन ने मल्लिक की माँ की शक्ल शादी होने के बाद देखी थी और यहाँ तो बिना शादी के इकट्ठे रह रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और जगन भी क्या पढ़ाई नहीं कर पाया लंबे समय तक क्योंकि इसकी शादी हो गई तो इसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में ये स्कूल से भाग आ जाता था ठीक है अंबिका के पास आ जाता था घर वाले इसको डांटते थे बाद में इसने मिठाई की दुकान कर ली ये सिर्फ जनरेशन गैप दिखाने के लिए उसने अपनी जो मेमोरी को बताया है ठीक है कि इस तरीके से मेरी शादी हुई थी अब क्या है जगन चाहता है कि पास ही पहाड़ी पर बद्रीनाथ का मंदिर है वहाँ जाकर हम इसकी शादी करवा देते हैं ठीक है तो अब क्या है वहाँ जाकर ये शादी करवाना चाहते हैं लेकिन मलिक क्या है पहले पैसे की डिमांड रखता है कि मुझे पैसे चाहिए ठीक है तो इस तरीके से क्या है दोनों में काफ़ी मनमुटाव हो जाता है तो जगन डिसाइड करता है कि इनका कुछ नहीं होने वाला है इनका कुछ नहीं होने वाला है वो सब कुछ छोड़कर जाना चाहता है ठीक है एकांतवास में जाना चाहता है कि किसी शांत जगह पर मैं जाके रह लूँगा, चाबियाँ वगैरह कज़न को दे देता है ठीक है दुकान की कि कहे तो इसको दे देना मैं जा रहा हूँ तो सारी प्लानिंग हो जाती है घर से निकलते वक्त वो अपनी चेकबुक साथ में लेके जाता है घर से निकलते वक्त अपनी चेकबुक साथ में लेके जाता है वो स्टैचू के पास वहाँ एक स्टैचू लगा हुआ था वहाँ से गुजर ही रहा होता है कि साइकिल पर बैठ कर ठीक है इसका भाई इसका जो कज़न है वो दौड़ता हुआ आता है कि मल्ली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है मल्ली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो जगन ने रीज़न पूछा जगन ने रीज़न पूछा तो कहा कि उसकी कार में शराब की बोतल मिली है अब और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया कि जो लड़की के साथ बिना शादी के रह रहा था वो भी बर्दाश्त किया बिना मर्जी के शादी कर ली वो भी बर्दाश्त किया अब क्या है तो जगन ने कह दिया कि ऐसे बंदे के लिए जेल की डोज़ मिलना ज़रूरी है कोई बुरी चीज़ नहीं है ठीक है ए डोज ऑफ प्रिजन इज नॉट ए बैड थिंग कि एक कैद खाने की हवा प्रिजन की हवा इसको मिलनी चाहिए कोई बुरी नहीं है इसके लिए क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी है तो इसको सड़ने दो एक बार लेकिन फिर भी बाप था उसको तरस आ गया उसने कज़न को कहा कि ये लो दो हज़ार रुपये का चेक ठीक है वकील वगैरह करके उसकी जमानत करवा लेना मैं जा रहा हूँ एकांतवास में और अगर ग्रेसी चाहे तो उसके लिए मैं रिटर्न टिकट खरीद के दे सकता हूँ ग्रेसी क्या है किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहने गई थी इससे अलग होकर तो वहाँ रहने लग गए थे। तो जगन को फिर भी फिक्र थी कि अगर ग्रेसी चाहती है वापस जाना तो मैं उसके लिए रिटर्न टिकट खरीद के दे दूँगा तो ये जो नॉवल है इस जगह पर ही समाप्त हो जाती है बस इतना बताया गया है कि एक फादर जो है वो एकांतवास में जा रहा है अपने पुत्र से झगड़ा करके जा रहा है फिर भी क्या है उसको फिक्र है फिर भी वो उसको जाते वक्त क्या है दो हज़ार रुपये का चेक दे जाता है कज़न को कि उसको छुड़वा लेना ठीक है और इसकी जो मेन थीम है वो है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी ठीक है परंपरागत तौर तरीके और आधुनिक तौर तरीके जनरेशन गैप और एक थीम और बताई है ठीक है कभी कभार क्या है हम अपने आइडियाज़ को अपने डिज़ायर्स को रियलिटी देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं ये भी एक इसकी थीम है तो दो तीन थीम पर जनरेशन गैप बताने के लिए ये नॉवल लिखा गया है वेंडर ऑफ स्वीट्स उम्मीद है आपको समझ आया होगा बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी ठीक है ज़्यादा मेजर करैक्टर नहीं थे तीन चार करेक्टर हैं तो है आपको समझ आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच